अगर तुम नहीं जलते रहे लिविंग चीजा तेरिया जीवंदियां चीजा मुर्दा चीजा बदल दिया जान ते रात को जागते रहना जरूरी है। दो वैश्या लिखिया दोनों प्रेगनेंट हुई दोनों के बच्चे हुए एक वैश्या अपने बच्चे तो रात को सो गई थे मर गया और उठी और देखा मेरा बच्चा मर गया लिखा उन्हें अपना बच्चा चकिया दूसरी वैश्या के बच्चे ने बदला लिया। पढ़ी है स्टोरी के नहीं पढ़ी जिदा न्याय सुलेमान राजा ने किया लोगों लाइफ एक्सचेंज हो गई और कहते यार मेरे इतने नहीं होना चाहिए मैं इन्नी वधिया वा मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही और फलानी लड़की ओदी मैरिज मेरे वर्गे खूबियां नहीं है मैं इतना वधिया इंटेलिजेंट हाँ मेरा बिजनेस कभी सेट क्यों नहीं है मैं इतनी इंटेलिजेंट हाँ मेरी लाइफ कभी सेट क्यों नहीं है मेरी लाइफ बदल दी गई एक बंदे ने मुर्दा लाइफ तेन देखे जिंदा लाइफ चुप ली क्यों रात को सुते हुए थी। कोई जनानी दसो जी इनी ज्यादा नींद च हो बच्चे चुक लिया जाए उन्होंने पता ना लगे बच्चे चुक लिया पता नहीं लगा एनी गहरी नींद एक मां एक नवी मां दो दो घंटे बाद जागना पड़ता पीड़ देने दे दो दो घंटे बाद तीन घंटे दो देने लिए और अपने बच्चे जागना पड़ता बच्चा छोटा सगा पर सुनती है और एक गलत औरत आती है अपने मुर्दा बच्चे रख दी है और जींदे चक लेंदी है सवेरे रोंदी है हूं तू रोनी क्यों है तू रात को जागी क्यों नहीं तू जाके अपने बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की जो तेन परमेश्वर ने दिता तू रक्षा क्यों नहीं की तू सुती है तू सुती है अज लोग सुते हुए तेरे जादू करने वाले बाबे रात को जागते हैं तेनू बर्बाद करने वाले और कलीसिया सुती है और फिर कलीसिया सोचती है ले शैतान साडा की कर सकदा और इसे लाइफ के अटैक के अटैक होंगे और भी सोचते शायद परमेश्वर वालों शायद परमेश्वर वालों परीक्षा कुछ परमेश्वर वालों है लेकिन बहुत सारे शैतान वालों केड़ी मां है जी सोचे तेन पता नहीं लगे कि मेरा बच्चा को चुके लग गया मतलब वो सुती मां से आज सुते लोग है क्रिश्चन जिन्होंने बच्चे जिनकी डेस्टिनी जिन्हें लाइफ एक्सचेंज हो जाती है पता नहीं लगता उन्होंने समझ नहीं आती उन्होंने होया कि सा जो मिड नाइट अगर तुम मिड नाइट क्रिश्चन नहीं हो तो जेतू कभी नहीं हो सकते याद रखियो क्योंकि मिड नाइट ऐसा टाइम है जब स्पिरिचुअल ट्रांसफर होंगे एक्सलेंस निर्गमन जो तो परमेश्वर ने मौत का दूत भेजा फिरौन दे राज दे की टाइम सेगा लिखा मिड नाइट आधी रात के वक्त और लिखा उन्होंने क्या सीखा मेमने का लहू जितने लगा होगा ओकरा में बचाया जाएगा कदम बच्चा एक्सचेंज होया आधी रात के वक्त पौलुस से सिलास से कदो फैसला किया कि असि अद्धी रात को उठ के प्रार्थना करांगे चाहे पैर ठुके हाथ से दर्द है सिर से दर्द है पेट से बैंता वजिया कपड़े फटे बेइज्जती हुई है फुल बटा फुल पर फैसला किया नहीं अद्धी रात को प्रेयर करांगे जरा अद्धी रात वाला क्रिश्चियन नहीं है उठ के प्रेयर नहीं कर रहा और लाइफ अलर्ट नहीं है फिर वो बोलेगा पता नहीं क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा पता नहीं क्यों मेनु ब्रेक थ्रू नहीं मिलता पता नहीं क्यों पता मैं दसदा मैं तुम दसदा क्यों तुसी फिर नहीं बोलोगे पता नहीं क्यों किन्नी रातां प्रेयर कीतीआं तुसी पिछले एक महीने च किन्नीआं रातां जागे प्रेयर कीती थी किन्नीआं रात तुसी प्रेयर कीतीआं मैं मन्ने तुसी सात दिन रात नहीं प्रेयर कर सकदे जो ठीक है तुहाडी लाइफ हले ओ ग्रेस नहीं पर कि तुसी दो रात भी प्रेयर नहीं कीती जाके और फिर तुसी बोलते हो मेरी जीवंदी चीज मुर्दा नाल किद्दां एक्सचेंज हो गई मेरे ते लाइफ इधर नहीं सी मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हाँ पर मैं ब्लेस क्यों नहीं हाँ। मिडनाइट अद्धी रात को फिरौन दे कोल मौत दे दूत भेजे अद्धी रात को पौलुस और सिलास को स्वर्ग बुलाए अद्धी रात को उन्हें अपने बच्चे को एक्सचेंज किया या तो अद्धी रात को शैतान काम करेगा या परमेश्वर काम करेगा तुसी देखो शैतान को काम करवाना कि परमेश्वर को करवाना परमेश्वर मिनिस्ट्री करने के बाद हजारों लोगों को चंगा करने के बाद एक रात चंगा करने के बाद हीलिंग मिनिस्ट्री के बाद मीटिंग के बाद फुल नाइट प्रेयर करने ले जाते थे पता नहीं क्यों मेरा काम नहीं बनता पता नहीं क्यों हूं लगा पता क्यों है
परमेश्वर कहता मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर तू बनने का शैतान है मैं बन देगा, तू खोल देगा मैं खोल देगा, तू अपने रास्ते खोल देगा, धरती में आसमान दे खोल देगा। आज हर दरवाजा तेरी लाइफ तेरी डेस्टिनी खुलने इस धरती से उठे आसमान क्यों खोले जाए। परमेश्वर ने बच्चे की जिंदगी जो रास्ते में खोले तेरी लाइफ तेरे पीस तेरे रास्ते में खोले हर वो दरवाजा इस धरती से मैं खोलता परमेश्वर प्रेरित होने ना थे। और जो आप मेरे अपने अगर प्योर बंदे आत्मिक बंदे अगर लड़के जितन गए तो सोचो उन्हों का की हाल होगा व्यभिचार। हां मैं कह जे आत्मिक बंदे लड़के जित रहे उन्हों का की हाल होगा जे व्यभिचार। जे धर्मी बंदा कठिनाई के उद्धार पा रहा है पापी का की टिकाना होगा। फिर लोग बोलते लाइफ फेयर नहीं है, लाइफ फेयर नहीं है, लाइफ फेयर नहीं है। सही है, लाइफ को बैग ना करो वो लो बाय फोर्स फोर्स जीवन के अंदर जो हत्था तेन परमेश्वर ने शब्द दिते तेन मूह दिता बाय फोर्स लो लाइफ को जो लेना। ये मेंटल पुणे है, बैठ जाना और सब कुछ परमेश्वर के हाथ छड़ देना। जब परमेश्वर कहना मैं तेरे हाथ छड़िया आई कहने नहीं प्रभु दे हाथ छड़िया। अगर तुम पैटर्न तोड़ना चाहते हो फाउंडेशन तोड़ना चाहते हो शैतानी फाउंडेशन शैतानिया नींव जिन्हें तो तुम निकले हो तुम प्रेयर की लोड़ है। हालेलुया। जिस बंदे की लाइफ च प्रेयर और बीज दोनों बराबर नहीं चलते वह हमेशा संघर्ष करता है मसीह जिंदगी अपना मेरेकल पाने के लिए अपनी टेस्टमनी पाने के लिए अपनी फाइनैशियल ब्लैसिंग लैन के लिए अपनी फैमिली को आजाद होंगे देखने लिए हमेशा संघर्ष करेगा। पूरा 2017 लंघ गया कि नहीं हाथ है गया पैर है गए अखा है गया सब कुछ सही सलामत है। परमेश्वर कहता मेरा थैंक्स कितने आई सवेरे उठते कई बार ओ प्रभु जी ये कहो जी जिंदगी है। प्रभु कहता शर्म कर शर्म कर तेरे हाथ है गए तेरे पैर है गए अखा है गए एह जे लोग भी है जे सुते उठे नहीं वापिस सुते उठे देख लत है नहीं गई की हो गया पैरालाइज हो गया उठे अखा है नहीं गया उठे पैरालाइज हो गया उठे ब्रेन सुको और तेरे को सारा कुछ है शर्म कर मेरा थैंक्स कितने परमेश्वर कहता आमीन। हाँ हूँ बोन का टाइम है 1000 रुपये बीज बोन का टाइम है मेरे को है नहीं गए तेरा फोन तेरे खिलाफ गवाही देगा तेरा फोन 15,000 का है तेरा फोन 40,000 का है तेरा बाइक 1,00,000 रुपये का है तेरा बाइक तेरे खिलाफ गवाही देगा कितने बचेगा तू। इसलिए मैं क्या मैं चर्च को पैसा नहीं लूंगा चर्च मैं नहीं कहती मैं अपने अपने लिए पैसे मांगता मेरा बिजनेस ब्लेस है मोर देन ब्लेस है मैंने लोड़ नहीं चर्च के पैसे दी आमीन। मैं अपनी लाइफ 2017 परमेश्वर में आ पाया मैं 25% कैश परमेश्वर वापस देना एक थैंक्स गिविंग कि 17 जब मैंने बचा के रखे किन्ने एनिमीज थे आज जो शर्मिंदा है 18 जब मैं होर शर्मिंदा करने वाला उन्होंने जड़ी चीज शुरुआत उन्होंने की अंत असी करांगे वो अंत नहीं करेंगे। आई मीन छोटे चर्च आप सवेरे उठते हैं किदा की जिंदगी है परमेश्वर कहता शर्म कर तेरिया अखा सही सलामत है तेरे पैर सही सलामत है तेरी किडनी सही सलामत है तेरा लीवर सही सलामत है। एहो जे लोग भी है सवेरे उठे ते किडनिया कम नहीं कीतियां अखा कम नहीं कीतियां अटैक हो गया ब्रेन स्ट्रोक हो गया पैरालाइज हो गया और तू सही सलामत और कहना परमेश्वर की तू मेरे ना की कीता। एक जिदी प्रेयर लाइफ नहीं है दूजा जिदी थैंक्स गिविंग नहीं है वह बंदा कितने नहीं जा सकता क्रिश्चियनिटी च। वह होएगा पीटर होएगा जॉन पर वो काम सारे शैतान वाले हो गए। हालेलुया। केड़ा बंदा तेरे जो एक बंदा दिखाओ जिदे परिवार च मैरिज होए तो 1,000 तो थले सूट पाए कोई नहीं गरीब तो गरीब कोई बेस्ट सूट होएगा मैरिज से जान दे ली लेकिन जो परमेश्वर बोन दे ली गए उदो पैसे नहीं गए। पर आज अगर किडनी फेल हो जाए आज 4,000 रुपया डायलिसिस लिए कितों आएगा देखो फिर कितों आएगा आएगा वो क्योंकि जीवन का सवाल है। और उस तरीके दे नाल जदों असीं स्पिरिचुअल लाइफ नूं सीरियसली नहीं लैंदे पूरे साल परमेश्वर ने मैनूं की दिता मैनूं अच्छे कपड़े दिते मैनूं एक प्लॉट दिता मैनूं ब्लेस किया मैं वापिस की कर रहा दिसंबर च थैंक्सगिविंग च कुछ नहीं
सिर्फ मुंह ना थैंक यू जीसस। इसलिए कुछ प्रोफेसियां लटकियां रह जांदियां, परमेश्वर कहता मैं भी मुंह नहीं बोलांगा करांगा कुछ नहीं। अच्छे क्रिश्चियन बनो आमीन, पवित्र क्रिश्चियन बनो आमीन, फायर ते पावर वाले क्रिश्चियन बनो आमीन। न्यू बिगनिंग साड़ी शुरुआत हो चुके हैं, असी की करिए कि 2018 च जो सी 10 साल च नहीं देखे असी 21 साल च देखांगे। हालेलुया। पर ये वचन उन्होंने नहीं है जड़े जड़े लोग बीज बोन तो और प्रेयर तो पिछे, तुहानू मैं सीरियसली दस रहा, ये परमेश्वर का वर्ड मिलिया मैं। हालेलुया। की बैक किया परमेश्वर ने, की दिता सी परमेश्वर ने, कि साड़ी इन्नी भी शर्म नहीं कि ये परमेश्वर ने मैं 10 लाख का प्लॉट दिता कि मैं उन्होंने 1 लाख रुपए भी थैंक्स गिविनिंग दे सकता, और मैं एक्सपेक्ट करता कि 2018 मेरे लिए वधिया निकलेगा। तेरे आसे पासे दे सारे वधनगे, लेकिन तुसी नहीं वधोगे। क्यों? क्योंकि तुसी वर्ड च रह के भी, वचन च रह के भी, टेस्टमनी सुन के भी अनजान बने रहे, और परमेश्वर कहता मैं भी अनजान बनिया रहांगा। की लाइफ है मेरी क्रिश्चियन जिहड़ी परमेश्वर नूं खुश कर सके? मेरी लाइफ प्रेयर लाइफ जीरो, पवित्रताई जीरो, बोना जीरो। मेरे कल चाहिए, हाँ जी चाहिए, चंगाई चाहिए, हाँ जी चाहिए। तुसी मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी दे नाल, पर मैं अपनी लाइफ में मजाक नहीं करना चाहता। मैं ओन लेना चाहना परमेश्वर दे कोल जिहड़ा मैं 2017 च नहीं ले सकिया। अपने हाथों उठा, बोलो थैंक यू जीसस, जोर ना बोलो थैंक यू जीसस, फिर तो बोले थैंक यू जीसस।